यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर मुसलमान लड़की से जबरन निकाह के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के झूठे दावे के साथ वायरल हो रहा है, असल में बांग्लादेश की एक घटना का है। इस घटना में लड़की को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था और उसे कन्फेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया, न कि किसी निकाह के डॉक्यूमेंट्स पर। वीडियो में दिख रही स्थिति में लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह न केवल गैर कानूनी है बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। शरिया कानून किसी भी हालत में इस तरह की बदसुलूकी की अनुमति नहीं देता, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो का गलत मतलब निकालकर इसे मुसलमानों द्वारा जबरन निकाह के रूप में पेश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। जहां लड़की से जबरदस्ती दस्तावेजों पर साइन करवाए जा रहे हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि यह निकाह नहीं बल्कि एक कन्फेशन डॉक्यूमेंट्स है। वीडियो को गलत संदर्भ में पेश करके कुछ लोग एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनके इरादे केवल शरिया कानून के खिलाफ प्रोपेगंडा फैलाने के हैं। हमें सच्चाई को समझना चाहिए और इस तरह के झूठे और गुमराह करने वाले प्रोपेगंडा से बचना चाहिए। किसी भी धर्म या समुदाय को बिना सटीक जानकारी के बदनाम करना न केवल अनुचित है बल्कि समाज में नफरत फैलाने का भी काम करता है। इसलिए हमें हर प्रकार की गलत जानकारी से बचना चाहिए और सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।